वेलकम टू माय हे शेरी रसोई। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रबड़ी खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और इसे हम अपने घर में बची हुई बर्फियों के साथ बना सकते हैं, लड्डुओं के जो खोए के लड्डू आते हैं उनके साथ बना सकते हैं। ये दोनों ही चीजों से बन जाएगी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है ये दूध, और इस दूध को मैंने उबाल कर एक बार ठंडा कर लिया था। और आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से मलाई पड़ी हुई है और मलाई को मैंने एकदम तोड़ दिया है। और ये 5-6 मैंने बर्फियां ली हैं। आप वजन में देखेंगे तो ये 100 ग्राम के करीब बर्फियां हैं। और 30 से 40 ग्राम मैंने ली है चीनी, क्योंकि बर्फी भी मीठी है। और चलिए अब रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक पैन रख देंगे, और ये जो दूध हमने उबाल के रखा हुआ था ये डाल देंगे। और इसमें एक उबाल आने देते हैं, और जितने हमारे दूध में उबाल आता है उतने हम ये बर्फियों को तैयार कर लेंगे। इसको बस इस तरीके से हम काट लेंगे। बर्फी को इस्तेमाल में लाने से पहले अगर आप उसे फ्रीज में रखा हुआ है तो फ्रीज से निकाल कर 3 से 4 घंटे के लिए पहले बाहर रख दें, जिससे बर्फियाँ सॉफ्ट हो जाएं। और ये सब बर्फी मैंने अब काट कर तैयार कर ली है। और जैसे ही दूध में एक अच्छा उबाल आता है हमने ये जो बर्फियां काट के रखी थी ये डाल देंगे। और आप देखेंगे ये डालने के बाद में हमारी रबड़ी बनकर तुरंत ही तैयार हो जाएगी। और रबड़ी में लच्छे लाने के लिए ये जो मलाई इकट्ठी होती जाएगी हम इसे साइड से करते जाएंगे। और इसे करीब हम अब 2 से 3 मिनट तक और उबलने देंगे। और देखिए 2 मिनट के अंदर ही हमारी एकदम गाढ़ी रबड़ी तैयार होने लगी है। इसी समय हम इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे, ये थोड़े से हमने काजू काट के रखे हैं ये डाल देंगे। और पिस्ते हमारी बर्फी पे ही लगे हुए थे इसलिए हमें पिस्ते डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी समय हम ये चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम फिर से 1 से 2 मिनट तक उबलने देंगे, जिससे चीनी भी हमारी अच्छे से पक जाएगी। और दूध में उबाल आने के बाद 5-10 मिनट में हमारी ये रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अभी रबड़ी काफी गर्म है इसलिए थोड़ी पतली लग रही है, जिससे जिससे रबड़ी ठंडी होती जाएगी ये गाढ़ी हो जाएगी। और आप इस रबड़ी को चाहे तो मिठाई की तरह यूज कर सकते हैं, या आप इमरती के ऊपर डाल सकते हैं, जलेबी के ऊपर डाल सकते हैं, मालपुए पे डाल सकते हैं, शाही टोस्ट बनाए उस पर भी यूज कर सकते हैं। ये सब तरह से यूज हो जाएगी और ये सब तरह से ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। और अब हम रबड़ी को करीब 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, जब तक हमारी रबड़ी ठंडी भी हो जाएगी और गाढ़ी भी हो जाएगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। ये बहुत टेस्टी और तुरंत बनने वाली रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसका टेस्ट नॉर्मल रबड़ी की तरह बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसमें मलाई दबाई थी, उसके लच्छे बनाती चली गई थी, जिससे ये लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हुई है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।